एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। सो हमेशा की तरह इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड और हम देखेंगे आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे कैसी रहेगी आज के दिन में। सो मेरे व्यूवर्स की तरफ पहला मैसेज है टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग इन टू सिचुएशंस, किसी तरह की जगलिंग सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। सेकंड मैसेज है टेन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों की एनर्जी आज लो है, ऐसा फील हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म है, कुछ नहीं बचा। यस, बहुत ज़्यादा ही लो है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड एनर्जी है, ऐसा लग रहा है रात भर रोए हैं, परेशान हुए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, इस तरह की एनर्जी है कुछ लोगों की। हाई प्रीस्टेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर या आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, तो बहुत सारे लोगों का आज के दिन में कलेक्टिवली यूनियन भी होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है वो लव लाइफ में यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक पर भी आकर स्टक होगी। बहुत सारे लोग, अगर आपने हमेशा दिया है इस रिलेशनशिप में, आपको बदले में वो एनर्जी नहीं मिली है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन भी आपको इक्वली आपको रिस्पॉन्स करें। और बहुत सारे लोगों का आज के दिन में यूनियन भी होने वाला है, ये भी चीज़ें हैं बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी में आया है, तो यूनियन से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। साथ ही साथ आज के दिन में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी से ट्रिगर पा सकते हैं या किसी कार्मिक से। हो सकता है कोई मैनिपुलेटिव शख्स है जो आपके बारे में गलत चीज़ें बोल सकता है या बोल सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखें, बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, स्पेशली ऐसे पर्सन से जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, पूरा फुल फेथ नहीं है। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है द वर्ल्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कुछ मेजर एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसे सिचुएशंस एंड होने वाली हैं जो इनकी फैमिली से रिलेटेड हैं। यस, 200%। किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक है यूनियन और इनकी तरफ है फोर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप दोनों वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो, मतलब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से यूनियन, एक दूसरे से कमिटमेंट। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन किसी स्टक सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे, ये चीज़ें हैं। एक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो आज का दिन हैवी है, इसके बाद जो बड़ी रीडिंग आएगी उसमें हम देखेंगे कि इस तरह के कार्ड्स क्यों आए हैं। सो मिलते हैं बड़ी रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।